हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शुगर एंड स्पाइस। आज की हमारी रेसिपी है गजरेला, कैरेट पुडिंग भी कह सकते हैं आप इसको। इंग्रेडिएंट की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन है, आप वहां पे भी चेक कर सकते हैं। कद्दूकश, कीवी, गाजर है हमारे पास 2 किलो। दूध है 4 लीटर। चीनी है 1.5 कप और चावल हैं 3/4 कप, अच्छे से धो के भिगो दिए थे। खोया है 750 ग्राम। मलाई या क्रीम है 1 कप। नमक 1 टीस्पून और इलायची पाउडर 1 टीस्पून। एक हैवी बॉटम जो पैन होगा उसमें गाजर और चावल और साथ में 1 कप पानी डाल के पका लेंगे थोड़ी देर। कवर करेंगे और इतनी देर पकाएंगे कि गाजर का कलर भी चेंज हो जाए और जो चावल हैं 3/4 डन हो जाए। और दूध शामिल करेंगे अब। इतनी देर पकाएंगे कि इसमें बॉयल आ जाए। दो तीन बॉयल आ चुके हैं। अब हम इसमें बालाई ऐड करेंगे। मैं घर की यूज़ कर रही हूँ, आप क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है तो डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं आप। आधा घंटा कुक कर लिया है। अब हम इसमें चीनी और खोया शामिल कर देंगे। चीनी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं एडजस्ट, अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन इतनी काफ़ी है। नमक भी साथ ही शामिल कर दिया है। अच्छे से पकाएंगे इतनी देर के ये थिक हो जाए और थोड़ा सा कम भी हो जाए। आप साइड से देख सकते हैं कि ये काफ़ी कम हो गया पक पक के। तो अब इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे।
मैं आप अपनी चॉइस के कोई भी ऐड कर सकते हैं। मैं किशमिश ऐड कर रही हूँ, बादाम स्लाइस किए हुए हैं और कद्दूकश किया हुआ नारियल है। इलायची पाउडर भी ऐड कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको सर्व कर लेंगे और अच्छे से ठंडा करेंगे। मैंने ओवर नाइट ठंडा कर लिया था। हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।